किधर जा रही हो? मैं तुम्हें घर लेके जाने के लिए आया हूँ यार। मैं नहीं जा रही वापस, नाराज क्यों हो? बस हूं। ये देख, तुम्हारे लिए टिकट्स लेकर आया हूं। मूवी टिकट्स हैं तुम्हारे फेवरेट हीरो की, वो तो मिल ही नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से लेकर आया हूं यार। तो मैं क्या करूं इनका, आप मुझे क्यों बता रहे? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूं ना, तो सोचा तुम्हें बता दूं। इतना तो मुझे पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड कोई हो नहीं सकती। अगर इतना यकीन है तो अपना घर छोड़कर क्यों आई हो? और वो भी मेरी और मोना की दोस्ती को लेकर। तुम जानती हो कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। जी, मुझे पता है आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं। यार, कभी कभी तुम इतनी अच्छी बातें करती हो कि लगता ही नहीं कि ये किंदा है, लगता है तुम उसकी हमशक्ल हो। मेरे कोई हमशक्ल नहीं हो सकती, अच्छा, क्योंकि मुझ जैसा कोई दूसरा नहीं। हाँ, ये बात तो है, तुम एक यूनिक पीस हो जो सिर्फ मुझे मिला है। अब चले, नहीं मेरे पैसे लगे हुए हैं यार। तो ये आंटी ने अच्छा किया है, हर चीज सील के रखी हुई है। अपने घर ना तो नुकसान करना है, हमारे घर की चीजें तोड़ी जाना, मतलब अपने घर की। मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रहा था और तुम खुद समिया की बातें करने लगी। तो मैं ही बीवी हूं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। आप आ गए। आना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरी में आना पड़ा। I'm sorry. इरफान का कॉल आ गया था। अब जाने भी दें तो गलती हो गई। इरफान परेशान था इसलिए मुझे उससे बात करनी पड़ी। तो जाओ बीबी, इरफान की परेशानी दूर करो, उससे बातें करो, उसका दिल हल्का करो, खुश रहो। मैंने आपसे सॉरी कहा ना, और बार बार इसीलिए कॉल करी थी, मगर आप मेरी कॉल अटेंड ही नहीं कर रहे थे। और मैं इरफान से आपकी कोई बुराई नहीं करती हूँ। तुम जो भी करती हो मोना, प्लीज मुझे तंग मत कर, ठीक है? मैं जहां भी बैठा था बहुत खुश था, तुम्हारी वजह से मेरा मूड बहुत खराब था। तुमसे बात करके मैं उसे और खराब नहीं करना चाहता था। फाइन, किसके साथ बैठे थे आप? तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। खाना खाकर आया आप? हाँ, खाकर आया हूं, और अगर तुमने नहीं खाया है तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये सारी बातें टीवी और फिल्मों की हीरोइनें अपने हीरोज के साथ करती हैं, तो मेरे साथ ना किया करो। तुमने आज तक मेरा खाने के लिए वेट नहीं किया, इसलिए प्लीज डोंट डू इट अगेन। टोन, क्या टोन? आपकी टोन फिर से चेंज हो गई है। हाँ, हुई है चेंज। वो सिर्फ एक लम्हा था मोना, वो समय को पकड़ सकती थी, और तुमने उसे खो दिया है, और इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ खुद ठहरा। बाबर, देखो, कहने सुनने का वक्त चला गया है यार, मैं बहुत थका हुआ हूं, तुमने पहले ही पूरे दिन मुझे इतनी टेंशन दी है। लेट मी गो। आप मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? मुझे चेंज करना मोना।